एमपी में अस्पतालों की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है, जिसके चलते चिकित्सालयों में मरीजों की जान से खिलवाड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही एक मामला डिंडोरी से सामने आया है, जहां जिम्मेदारों की लापरवाही से मासूम की तबीयत बिगड़ गई और उसकी जान पर बनाई। इस मामले की शिकायत बच्चे के पिता ने जिलाधिकारी से की है। डिंडोरी जिला चिकित्सालय में जिम्मेदारों की लापरवाही से एक माह की मासूम की जान पर बनाई, जिसकी शिकायत मासूम पिता ने कलेक्टर विकास मिश्रा से की। वहीं कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई कर जांच के निर्देश दिए। दरअसल ग्राम क्विंटी निवासी सुनील ठाकुर पत्नी मधु के साथ अपनी एक माह की मासूम का इलाज कराने जिला चिकित्सालय पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान जिम्मेदारों ने लापरवाही करते हुए बच्चे के माता पिता को एक्सपायरी डेट की दवा थमा दी, जिससे बच्चे की हालत और बिगड़ गई। बच्चे के पिता सुनील ठाकुर ने बताया कि उन्होंने अस्पताल के दवा वितरण केंद्र से ही दवा ली थी। वहीं घर पहुंचने के बाद मां ने बच्चे को दवा पिलाई थी, इसके बाद बच्चा और रोने लगा। सुनील ने बताया कि जब वे घर पहुंचे और दवा की एक्सपायरी डेट चेक की तो वो फरवरी 2023 की निकली। मैं कल अस्पताल आया था इलाज कराने बच्चे का, उनको जान के आके इलाज करवाया तो डॉक्टर साहब इलाज दिन के दवाई लिख के दे दिए, और दवाई मतलब जाके दे देना 10-10 दिन कहते, तो हम लोग खाते लगे घर में जाके दवाई दिए, और जैसे ही दवाई दिए तो बच्चे पहले तो ज़्यादा बिगड़ने लगा। जैसे बिगड़ रहा तो मैं एक्सपायर डेट दे रहा हूँ, तो एक्सपायर डेट उसका नहीं ख़त्म था। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर बच्ची के पिता को जिला अस्पताल बुलाया गया। वही डॉक्टर रंगहारे प्रभारी सिविल सर्जन ने बताया एक्सपायरी पैरासीटामोल देने की लापरवाही किसने की, साथ ही एक्सपायरी दवा कौन से स्टोर से आई, इसकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि दवा वितरण केंद्र में मौजूद सभी दवाओं की एक्सपायरी डेट जाँच की जाएगी। इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्र परस्ते ने डिंडोरी कलेक्टर को पत्र लिखते हुए 3 दिन के अंदर लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखना पड़ेगा सब गलती कहाँ से हुई है, इसके लिए सब स्टोर से गलती हुई है कि यहाँ से गलती यहाँ से गिरा दिया है, तो उसकी तो गलती है ही। साथ में जो स्टोर है, स्टोर जहाँ से सप्लाई हुई है वो मैं देखना पड़ेगा कहाँ से, कौन से स्टोर से, CMH स्टोर से आई होगी या CS स्टोर से आई, वो देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।